हमारा पार्टनर लगा हुआ, वैसे पार्टनर बहुत सही है। हम लोग अगर हमको हमको मौका दे देता है वीडियो बनाने का। जुगाड़ कैसे लगाते हैं जानते हो? इस चीज़ का जो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर नई वीडियो में आप लोगों से रूबरू होते हैं और हमारे वाइडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे दोस्तों, और व्यस्त भी होंगे हमारी तरह जैसे हम व्यस्त हैं और जैसे मास्टर जी व्यस्त हैं। हाँ मास्टर जी, और बताइए कैसे हो? और तो इधर से नहीं बात बनेगी, इधर से बात बनेगी। लाइट भी हाँ, लाइट है फिर काम बनता है। तो अच्छा वो बोल रही है चलाएगा। तो ये बताइए कि आज जानकारी किस चीज़ की? मैंने कल बताया था आप लोग आपको ना कि पेन ड्राइव से डिजाइन, मतलब मशीन से डिजाइन पेन ड्राइव में कैसे डालें। तो आप बताओगे कि मैं बताऊंगा? आप बताओगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं आपकी वीडियो बना दूँगा बैक कैमरे से, उसके बाद लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। हाँ बता दूँगा, बता दोगे? तो चलो तैयारी शुरू करते हैं बनाने की। कैसे बताते हैं लोगों को? इंतज़ार है भाई, फटाफट दे देते हैं। लोग कहते हैं ना फटाफट जानकारी दे दिया, चलो ज़्यादा बातें नहीं है, चलो बातें तो नहीं करेंगे फिलहाल। इधर भी मशीनें को कोई चाव नहीं है, इधर भी चल रही है मशीन, मशीन हमारी इधर भी चल रही है और मशीन हमारी सारी मशीनें लगभग 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 मेरे ख्याल से अब काम अपना हो गया है। तो चले दोस्तों देर ना करते हुए उस जानकारी की तरफ चलें, और पहले पेन ड्राइव ले आते हैं। देखिए पेन ड्राइव बना लेते हैं, ये पेन ड्राइव लगी हुई है, आज मास्टर जी बताएंगे और इसी पर ही बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम शुरू करते हैं अपनी जानकारी। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ना कभी बताएंगे कि मशीन शुरू से कैसे स्टार्ट करते हैं। आज तो हमने किया हुआ है लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा सकते, दिखा नहीं पाए, इस करके हम आप लोगों को देखो मशीन खुल रही है ना अभी आपके सामने, इस पर हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम बताते हैं कि कैसे डिजाइन, मतलब मशीन से पेन ड्राइव में डालें। तो चलिए दोस्तों देना करते हैं, बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाते हैं तो हमारी मशीन भी देखिए। तो चलिए दोस्तों हमारे मास्टर जी आप लोगों को बताएंगे कैसे कराते हैं और हम भी आपको बताते रहेंगे। और सबसे पहले भाई पेन ड्राइव दिखाइए, ये पेन ड्राइव है अभी लगाएंगे, चलिए लगाइए। तो ये लग गई पेन ड्राइव उसमें, और आप लोग मत कहिएगा पेन ड्राइव लगाना बताएं। तो चलिए अब स्टार्ट करें आप कि कैसे कैसे क्या करते हैं। इसको इंटर करना है ESC को, ESC को करना है इंटर। चलिए करिए, आप इसको इंटर कर दिए। इसके बाद, इसके बाद फाइल मैनेजर में जाना है, चौथा फाइल मैनेजर में आना है। अच्छा जी, कहीं चार नंबर फाइल में, इसके बाद, इसके बाद इसको इंटर करना है। इसके बाद मतलब फाइल मैनेजर में जाके फिर इसी को एक बार फिर इंटर करना है। इंटर करना है। चलिए दोस्तों आप लोग समझते रहिए। फिर जाना है चार नंबर में, फाइल क्या है? देखिए अब क्या करना है कि फाइल मतलब मतलब पैटर्न फाइल आउटपुट यहाँ पर आ गए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आ गए, इंटर कर लेना है इसको फिर इसी बटन से। हाँ, इसी बटन से इसको इंटर करना है। अच्छा, तो वो चली जाएगी पेन ड्राइव में? नहीं नहीं, डिजाइन आएगा मशीन में। अच्छा हाँ, तो दोस्तों आप लोग भी हमारी तरफ पूछते रहिएगा जैसे हम इनसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो अब बताइए तब डिजाइन आएगा कहाँ आएगा? डिजाइन आ गया पेन ड्राइव में, ये देखिए यहाँ जैसे जैसे आप अभी इसको एंटर किए हैं। नहीं हम नहीं मानेंगे, इसको हम करते हैं पहले ESC से पीछे जाते हैं। अब बताइए अब क्या किया? इंटर किए, ठीक है, इसको इंटर किए, करिए। हाँ, तो इसको इंटर कर लिए, जब इसको इंटर किए तो यहाँ क्या खुलेगी? फाइल खुलेगी, फाइल खुलेगी। तो फाइल अभी एक बार हमने एंटर कर दिया है, वो आपको फाइल सुबह काम फुल जा एक भी, क्योंकि ज़्यादा है डिजाइन। अच्छा चलिए ठीक है, मशीन का डिजाइन खुल गया। अब जितना जो जो भी मेरे को इससे लेना है, यानी जो भी डिजाइन आपको यहाँ से लेना है वो भी चली जाएगी। तो उस पर इंटर कर लेना है बस, अब यहाँ आके फिर से इसको एंटर करोगे तो ये अपने आप पेन ड्राइव में चली जाएगी। जो मर्जी डिजाइन आपको कॉपी कराना होगा इसमें आ जाएगी, एंटर करोगे इसमें आ जाएगी, इसको एंटर करना है। तो दोस्तों यही जानकारी हम आप लोगों को दोबारा बता देते हैं और सॉफ्टली भाषा में। तो ये बताइए, इधर हमारी तरफ देखिए, ये बताइए कि जानकारी सही है? 100%। चलिए ठीक है, तो जानकारी एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम दोबारा रिपीट करते हैं आप लोगों के सामने, हम इसको रिवर्स जाएंगे, ये इसी से रिवर्स जाएंगे, ये देखिए इसी से रिवर्स जाएंगे। तो ये चले गए हम वहाँ चार नंबर, ये देखिए कहाँ आ गए। इसके बाद हम वहीं पर आएंगे, ये देखिए फाइल मैनेजर पर। इसके बाद हमने इस मैनुअल पर आ गए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पेन ड्राइव है, ये पेन ड्राइव है,
ये पेन ड्राइव है, ये देखिए ये है ना पेन ड्राइव हमारी, तो हमारी पेन ड्राइव क्या होगी यहाँ लगेगी। अब इसको हमने यहाँ पर लगा देना है ऐसे यहाँ पर, ये देखिए हमने पेन ड्राइव लगा दिया। पेन ड्राइव लगाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ESC फाइल पर जाएंगे। ESC फाइल पर जाने के बाद आपको फटाफट बता देते हैं, ESC फाइल पर जाने के बाद सबसे पहले यहाँ देखिए नेट सिस्टम सेटअप पैटर्न मैनेजर, इसके बाद फाइल मैनेजर है, तो हम फाइल मैनेजर पर जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मशीन टेस्ट, इसके बाद मशीन टेस्ट, इसके बाद मशीन मतलब बंद हो जाएगी, तो सबसे पहले आप फाइल मैनेजर पर जाइएगा। फाइल मैनेजर पर जाने के बाद इसको एंटर करिएगा, इस वाले बटन को दोस्तों एंटर करिएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे देखिए पैटर्न इनपुट सिस्टम कंफर्मिंग इनपुट, फिर इसके बाद पैरामीटर इंपोर्ट। पैरामीटर इंपोर्ट भी आप लोगों को बता देंगे, बहुत ज़रूरी होता है पैरामीटर इंपोर्ट करना, है कि नहीं। पैरामीटर भी माटी की इंपोर्ट करके रखा जाता है कि नहीं अपना, हाँ तो ये भी रखा जाता है। तो पैड फाइल आउटपुट, इसके बाद सिस्टम पैरा आउटपुट, फिर इसके बाद वर्क पैरा आउटपुट, सिस्टम मेंटेनेंस और सिस्टम लॉग। तो सबसे पहले हमने ये सारी जानकारी आप लोगों को देख ली है, तो चार नंबर पर हम आएंगे। या तो देखिए यहाँ से इस बटन से, ये देखिए, या तो ऐसे ऐसे करके आएंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि डायरेक्ट ये देखिए यहाँ चार है ना, इस चार को यहाँ पर दबा देंगे तब भी चले आएंगे। चार पर आ गए तो हमने फिर क्या करना, इंटर कर देना है। इसको हमने इंटर कर दिया। अब इंटर करने के बाद ये अब वो खुल जाएगा, वो दूसरा वाला जो कि अभी इसमें जो हमारी डिजाइन है वो खुलेगी। अब उसको खुलने के बाद देखिए, अब आपके सामने खुली तो देखिए यहाँ पर लिखा ना पैटर्न फाइल आउटपुट, जो भी डिज़ाइन अब हमें यहाँ से आउटपुट करानी है इस पेन ड्राइव में चली जाएगी। तो हमने जो मर्जी डिज़ाइन, जैसे मान लीजिए सात नंबर है तो यहाँ सात दबा देंगे तो डायरेक्ट सात पर आ जाएगी। ये देखिए हम यहाँ अभी क्लिक करेंगे, कैमरा पीछे करते हैं, क्लिक करेंगे, देखिए लाल वाला निशान आ जाएगा सात नंबर। तो जो भी डिज़ाइन आपको करानी है, जो मर्जी डिज़ाइन आपको करानी हो इस पेन ड्राइव में, अब यहाँ मान लीजिए यही तीन नंबर वाली डिज़ाइन हमें करानी है, 3FRCL को करानी है, कलर को करानी है, तो हमने यहाँ पर आके ये देखिए यहाँ पर आके एंटर करेंगे, तुरंत इसमें चली जाएगी। यही प्रक्रिया थी सारी, और इसके बाद ये प्रक्रिया हमारी हुई पूरी। और आप लोगों को हमारी जानकारी कैसे लगी ये बता दीजिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि मशीन टेस्ट तो बता दिए हैं कि मशीन को शट डाउन कैसे करते हैं ये अगली वीडियो में, और कुछ और नॉलेज जो होगी उसको भी हम आप लोगों को बता देंगे। इसलिए हम एक ही नॉलेज इसमें इसलिए रख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को पता नहीं लग पाता है कि हम मतलब पेन ड्राइव में कैसे डिजाइन को ले आएँ। ठीक है दोस्तों, सिंगल कुंडा और कच्चा कुंडा का हल बताइए। मैं बताऊं क्या है, मैं इसका कच्चा कुंडा का हल बता सकता हूँ। फिर मास्टर जी से हम कल इसी बारे में पूछेंगे कि कच्चा कुंडा या सिंगल कैसे मारती है, तो उसके बारे में हम जानकारी। वो मशीन तो सेल्फ है ना, सेल्फ में पता लग जाता है कच्चा कुंडा है कि नहीं, अगर वही देखा था तो पीछे पता नहीं लगता। नहीं होनी तो नहीं चाहिए, पर उतना हमारे जैसे उल्लू की आँख नहीं लोग रखते, लेकिन जो हमसे चेकिंग करने वाले होते हैं ना वो हमसे ज़्यादा आँख रखते है कि नहीं। पर हम लोग वैसे भी ध्यान इनको भी पता है, यानी कि ये जो काम कर लिया उनको सारा पता हो जाता है। साइड पर जुगाड़ लगाना, हाँ ठीक है। सिंगल कुंडा और कच्चा कुंडा का हल बताइए। मैं बताऊँ क्या है, मैं इसका कच्चा कुंडा का हल बता सकता हूँ। नहीं, जो 23 और 24 नंबर होता है ना उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मास्टर जी से हम कल इसी बारे में पूछेंगे कि कच्चा कुंडा या सिंगल कैसे मारती है, तो उसके बारे में हम जानकारी। वो मशीन तो सेल्फ है ना, सेल्फ में पता लग जाता है कच्चा कुंडा है कि नहीं, अगर वही देखा था तो पीछे पता नहीं लगता। नहीं होनी तो नहीं चाहिए, पर उतना हमारे जैसे उल्लू की आँख नहीं लोग रखते, लेकिन जो हमसे चेकिंग करने वाले होते हैं ना वो हमसे ज़्यादा आँख रखते है कि नहीं। पर हम लोग वैसे भी ध्यान यार दोस्तों, मेरे को यहाँ से दिख रहा हो वहाँ मेंडिंग आई हुई, लेकिन मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, मेंडिंग आप लोगों को दिख जाएगी कि नहीं। मेरे को तो यहाँ से दिख रही है, शायद आप लोगों को ना दिखे, लेकिन जहाँ पर लाइट जल रही है ना वहीं पर मेंडिंग आई हुई है, चल के उसको देखते हैं। और इधर तो ये भाई मेरे आ रहे हैं, ये लोग काम करने वाले जगह जगह कर रहे हैं, तो अपना कर रहे हैं, तो अपना चल के हम लोग दिखाते हैं कैसे क्या होता है। रोबिन भाई, रोबिन, वो मेंडिंग आई हुई है ना, वो मेंडिंग आई है ना, वो नीचे मेंडिंग आई है ना, तो मेंडिंग आई है, उसको देख लेते हैं, चल के हम भी देखते हैं
कि मेंडिंग ऊपर भी आई है कि नीचे आई है, तो वहाँ से मेरे को दिख गया था, आप लोगों को कैमरा में नहीं दिख रहा होगा इस करके मैं देखिए आ गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मेंडिंग आई हुई थी, मेरे को वहाँ से दिख गया था, ये लाइट थी इस करके आप लोगों को नहीं दिख रहा था। चलिए तो एक हाँ उसको सही कर लो क्योंकि ये सही हो जाएगा यार। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा से आप लोगों को जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी ना होए इस करके हम आपका भी ध्यान रखते हैं और आपके साथ थोड़ा मोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं यार, इतना काम करने के बाद तो मनोरंजन हो नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।